राधे राधे दोस्तों, मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथ डॉक्टर आरवी गोस्वामी, ग्रुप के सभी सम्मानित चिकित्सक बंधुओं का और जो हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे फॉलोअर्स हैं उन सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज 26 जनवरी है तो इस शुभ अवसर पर मैं सभी को, अपने देशवासियों को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से शुभकामनाएं देता हूं गणतंत्र दिवस पर। तो साथियों, आज का हम जो वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले कुछ आवश्यक सूचनाएं मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देना चाहता हूं। देखिए साथियों, हमारी जो पुरानी बुक थी मास्टर ऑफ गाइड, वो हमारी जो है उसके प्रिंट समाप्त हो चुके थे और कुछ साथी उसको जो है उसकी डिमांड करते रह गए थे। तो ये उन साथियों के लिए खुशखबरी है कि जो साथी हमारे जो है वो बुक मांगते रह गए थे, उनके लिए जो है ये बुक अब से दोबारा जो हमने इस रूप में जो है उसको करवाया है। और ये अच्छा मोटा खासा जो है बुक है इसमें, और वो जो है हमारे दिए गए स्क्रीन के नंबरों पर जो है वो फोन करके हमसे बातचीत कर सकते हैं। तो ये इस तरह की बुक जो है आपको ये मिलेगी। तो ये तो बुक थी जो हमारे नए साथी हैं जो अभी अभी जिन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की है, तो उनके लिए तो ये बहुत ही लाभकारी बुक है, किताब है। और दूसरा हमारे साथियों जो हमारा हर्बल पाउडर है, ये हर्बल पाउडर है, इसमें जो है बहुत ही अच्छा जो है इसका जो बेहतरीन कहते हैं कि एक रिजल्ट, इसका जो परिणाम है, हम पेन मैनेजमेंट में इसका ले रहे हैं और हमारे बहुत से साथी जो है इसका लाभ उठा रहे हैं। जो साथी इसको भी अगर पेन मैनेजमेंट का करना चाहता है, पेन मैनेजमेंट में जैसे माइग्रेन वगैरह का है, सर्वाइकल का, स्पॉन्डिलाइटिस का है, फ्रोजन शोल्डर वगैरह का है, लंबर पेन का है, या फिर साइटिका की प्रॉब्लम है, ज्वाइंट पेन वगैरह है, रूमेटाइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, गाउट की प्रॉब्लम है, और जैसे साइटिका की प्रॉब्लम वगैरह हो गई, तो इस तरह की जो भी पेन है शरीर में, बॉडी में, हड्डियों से संबंधित जो भी रोग हैं, उन सब में जो ये रामबाण जो है वो सिद्ध हुई है। तो जो साथी हमारे इस पाउडर को मंगाना चाहते हैं वो भी हमारे ऊपर दिए गए जो स्क्रीन के नंबर हैं उस पर जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए चलिए साथियों, आज का हम जो है अपना वीडियो लेक्चर आरंभ करते हैं। और आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो है हमारा आज ब्लड सर्कुलेशन, यानी हार्ट पर हम बात करेंगे। हृदय, हृदय किस प्रकार से जो है हमारे बॉडी के अंदर काम करता है, उसका मुख्य काम क्या है, इसकी संरचना क्या है, इस पर जो है हम आपको जो है मैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको जो है समझाने का प्रयास करूँगा, अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूँगा कि आपको ये पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ताकि आपको ये समझ में आने के बाद ताकि आपको फिर जो है हृदय से संबंधित रोगों को जो है ठीक करने में, उनको रिस्पॉन्स लेने में आपको आसानी रहेगी। तो आज का हमारा जो है चैप्टर है वो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में बस एक ही हमारा जो है मेन पार्ट होता है वो हार्ट है, और उसका मुख्य कार्य है हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो है ब्लड की सप्लाई करना। तो साथियों, ये हमारे चेस्ट के बाईं तरफ जो है ये स्थित होता है, रिब के नीचे। यह ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो हमारी पूरी बॉडी में जो है भेजता है, भेजने का काम करता है, ताकि हमारी जो सेल्स टिश्यूज हैं वो पुष्ट रहे, उनको ऑक्सीजन न्यूट्रिशन वगैरह जो है पोषण देता है उनको। उसके बाद में से जब उनमें एनर्जी जनरेट होती है तो वो कुछ वेस्ट मटेरियल भी छोड़ती है, यूरिक एसिड वगैरह है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है जैसे, वो जो है हमारा फिर वहाँ से जो अशुद्ध रक्त होता है जिसको हम जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, जिसको वो जो है वेंस के माध्यम से वापस जो है हमारे हार्ट में आता है, और फिर हार्ट में आकर के जो है वो फिर शुद्ध होने के लिए जो है हमारे लंग्स के अंदर जाता है। ये किस प्रकार काम करता है इस पर हम जो है चर्चा करेंगे साथियों। देखिए साथियों, ये जो है
हमारा हृदय जो है वो 72 टाइम 1 मिनट में जो है धड़कता है, और जब एक बीप होती है, एक बीप में अंदर जो है ये 17 ml जो है ब्लड को पंप करता है। इस प्रकार 1 मिनट में जो है ये लगभग 5 लीटर जो है ब्लड को पंप कर देता है। तो साथियों, इसका जो ऊपर वाला भाग है, हृदय का ऊपर वाला भाग है, उसको हम बेस कहते हैं, और जो नीचे वाला भाग होता है, इसके नीचे वाला, उसको हम अपेक्स कहते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि 4 वाल्व होते हैं। इसकी संरचना कैसी है? इसके अंदर 4 वाल्व होते हैं। हमारा जो राइट तरफ का जो है ऊपर वाला भाग जो है चैम्बर, जिसको हम बोलते हैं, वो राइट ऑट्रियम बोलते हैं उसको, और दूसरे वाले को लेफ्ट ऑट्रियम बोलते हैं। इसी प्रकार जो नीचे वाले पोर्शन हैं दो, उसको जो है राइट वेंट्रिकल बोलते हैं और दूसरे वाले को लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। इस प्रकार ये इसके 4 चैम्बर होते हैं साथियों, और ये एक जो मतलब एक ऐसी मोटी लेयर से जो है ढका हुआ होता है चारों ओर से, ताकि जब ये ब्लड पंप करे तो ये फटे ना। तो इतनी मजबूती, इतनी मसल्स, मोटी मसल के साथ में ये जो है बना हुआ होता है थैली में। तो इसकी जो बाहरी जो थैली होती है, बाहरी जो संरचना होती है इसको, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, और जो अंदर की होती है उसको हम एंडोकार्डियम बोलते हैं, और जो बीच का भाग होता है, मेडस का जो भाग होता है उसको बोलते हैं मायोकार्डियम। तो साथियों, हमारे शरीर से जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो वो हमारे जो है नीचे की जो है वो इन्फीरियर वेना केवा होती है, उसके द्वारा जो हार्ट में पहुंचता है। ऊपर का ब्रेन साइड का जो हमारा अशुद्ध रक्त जो आता है, वो सुपीरियर वेना केवा के द्वारा जो है हमारे राइट ऑट्रियम के अंदर आता है। साथियों, इस राइट ऑट्रियम में एक मसल्स की रचना होती है जो करंट जनरेट करती है, वाइब्रेशन इसके अंदर जो है जनरेट करती है, जिसके कारण यह हार्ट चलता है। जब इसमें किसी प्रकार की कमी आ जाती है, तो इसमें जो डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो पेसमेकर लगा करके जो है इसे काम चलाते हैं। तो साथियों, यहाँ से जो है ब्लड हमारे राइट ऑट्रियम में आता है। राइट ऑट्रियम से जो है हमारा ट्राइकस्पिड नाम का एक वाल्व होता है, जिसके अंदर 3 इस टाइप के जो है, ये जो 3 होते हैं ऐसे ऐसे जो है ये करता रहता है बीप बीप की आवाज़ में, और ये जो है राइट वेंट्रिकल के अंदर जो है ये ब्लड को भेजता है। तो साथियों, ये जो है 2 पार्टों में, भाग में जो है ये बटे हुए होते हैं। जो हमारे चैम्बर हैं जो है, इसको हम बोलते हैं सेप्टम वाल। बीच की जो होती है वो सेप्टम वाल होती है। जब बच्चा छोटा होता है, पेट के अंदर होता है, तो उस समय जो है बच्चा सांस नहीं लेता, ऑक्सीजन नहीं लेता, वो माँ के द्वारा ही जो है जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वही सीधा हार्ट में आता है। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता है जब तक वो गर्भ में रहता है, और जब गर्भ से बाहर आ जाता है तो फिर वो ऑक्सीजन जो है वो सांस लेने लगता है, तो ऑक्सीजन उसके अंदर जाने लगती है। तो साथियों, इसमें जो ये सेप्टम वाल है, इसके अंदर एक होल होता है। जब बच्चा पेट में होता है तो ये डायरेक्ट जो हमारा ब्लड है वो सीधा जो है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, और वहाँ से फिर सीधा बॉडी में, बच्चे की बॉडी के पार्ट में चला जाता है, जिसे बच्चे का पोषण होता है। लेकिन कई बार ऐसी स्थितियाँ हो जाती है साथियों, आपने सुना भी होगा कि बच्चे के दिल में छेद है, तो उसमें क्या होता है कि ये 48 घंटे में स्वयं ही जो अपने आप ही क्लोज हो जाता है, जन्म लेने के बाद में, बर्थ लेने के बाद में। यदि उसके बाद में कई रेयर केसों में हो जाता है कि ये बंद नहीं होता, तो ऐसी अवस्था में फिर डॉक्टर को जो है वो ऑपरेट करना पड़ता है, उसको सर्जरी करके उसको होल को बंद करना पड़ता है। तो ये तो था जो बच्चे का जो पेट में रहता है, माँ के गर्भस्थ शिशु जो होता है वो, उसको डायरेक्ट जो है वो ऑक्सीजनेटेड ही ब्लड मिलता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ पर नहीं होता है। वहाँ से जो है ट्राइकस्पिड के द्वारा जो है ये हमारे राइट वेंट्रिकल में आता है, और फिर राइट वेंट्रिकल से जो है साथियों ये हमारी जो पल्मोनरी वाल्व होता है, पल्मोनरी जो आर्टरी वेंस होती हैं, आर्टरी होती है पल्मोनरी,
तो ये सीधा जो है यहाँ से हमारे लंग्स के अंदर जो है ब्लड जाता है, और वहाँ पर हमारे हार्ट के जो है लंग्स के अंदर, वो जब लंग्स का चैप्टर आएगा उसमें हम बताएंगे आपको, लंग्स के अंदर छोटी छोटी एल्वियोली होती हैं, थैलियाँ होती है, खून की भरी हुई थैलियाँ होती है, जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों प्रकार का जो है वो ऑक्सीजन का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान जहाँ पर होता है। तो वो जब चैप्टर आएगा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसमें हम जरूर बात करेंगे उस पर। तो वहाँ से जो है ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जो ब्लड जाता है लंग्स के अंदर, वहाँ से जो है फिर वो ऑक्सीजनेट ऑक्सीजन लेकर के वापस जो है पल्मोनरी वेंस के द्वारा जो है हमारे लेफ्ट ऑट्रियम में आ जाता है ये। और लेफ्ट ऑट्रियम से आ करके साथियों, ये जो हमारे लेफ्ट ऑट्रियम के अंदर जो दो चैम्बर बने हुए हैं उनमें भी एक वाल्व लगा होता है जो ब्लड को नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में आने देता है। तो उस वाल्व का नाम है मिट्रल वाल्व, उस वाल्व का नाम है मिट्रल वाल्व। जब कभी इसके अंदर भी जो है खराबी आ जाती है तो व्यक्ति को सांस चढ़ने लगते हैं, सांस फूलने लगता है, थोड़ा सा चलेगा उस व्यक्ति का सांस फूलने लग जाता है। तो यहाँ से साथियों, जब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है मिट्रल वाल्व के माध्यम से हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, यहाँ से फिर जो हमारा एरोटिक वाल्व लगा होता है और ये सीधी एरोटा जो जिसके अंदर शुद्ध जो मोटी और गहरी आर्टरी होती है, ये एक मेन आर्टरी है जो पूरे शरीर में जो है ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर के अंदर जो है ये स्प्रेड करती है, फैलाती है, रक्त संचार करती है। तो ये भी एक यहाँ पर भी एक वाल्व लगा होता है जिसको हम जो है एरोटिक वाल्व कहते हैं। तो इसके द्वारा जो है ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो है सर्कुलेट करता है ब्लड। इस प्रकार से जो है साथियों, हमारे ब्लड का जो है ऐसे ही जो है ऑक्सीजन ब्लड जाता है, फिर वहाँ कैपिलरीज के अंदर जो है वहाँ पर जो है उसको ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन वगैरह दे करके और न्यूट्रिशन वगैरह दे करके वहाँ से जो सेल जो छोड़ती हैं वेस्ट मटेरियल, उसको वापस जो है वेंस के द्वारा, एक वहाँ पर जंक्शन होता है इनका दोनों का, वहाँ से जो अशुद्ध रक्त फिर वेंस के द्वारा चला जाता है। तो साथियों, जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरी बहुत थिक होती हैं, मोटी होती हैं और हमारे शरीर में गहराई में होती हैं, क्योंकि इनको ब्लड प्रेशर का भार जो है वो दबाव सहन करना होता है। और जो हमारी वेंस होती हैं वो तो आपने देखा होगा कि हमारी त्वचा के नीचे ही, बिल्कुल सबकुटेनियस के नीचे ही दिखाई देती हैं, जिसमें डॉक्टर लोग जो है इंजेक्शन भी लगा देते हैं, ग्लूकोज वगैरह भी लगाते हैं, तो उसी में उसको लगाया जाता है जहाँ से ब्लड वगैरह टेस्ट किया जाता है। पैथोलॉजी के जो टेक्नीशियन होते हैं पैथलैब के, तो वो ब्लड वहाँ से लेते हैं, तो वो हैं हमारी वेंस। तो साथियों, ये जो था हमारा हार्ट का चैप्टर था, और इसके अंदर साथियों एक बात और है कि जो इसकी आर्टरी का जो दबाव होता है वो 120 mmHg होता है, और जो वेंस का दबाव होता है वो 80 mmHg होती है। आपने देखा होगा कि एक स्वस्थ आदमी का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mmHg होता है। तो इसके अंदर साथियों, जो हमारी हार्ट की मांसपेशियां हैं, देखिए हार्ट क्या है, हार्ट हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो है ब्लड का रक्त संचार करके हमारे शरीर को पोषित रखता है। और सपोज करो यदि ब्लड ऑक्सीजनेट ब्लड ना जाए तो हमारी ब्रेन की सेलें मरने लगती है और व्यक्ति ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकता बिना ऑक्सीजन के। तो और इसके अंदर साथियों जो है प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन दो प्रकार के प्रोटीन भी जो इस ब्लड के अंदर होते हैं, और जो है खून को जो कहते हैं कि वो जमने में मदद करते हैं, और कैल्शियम भी जो इसके अंदर होता है वो भी खून को जमने में मदद करता है। तो साथियों, जो मांसपेशी हृदय की मांसपेशियां हैं उनको भी पोषण चाहिए, क्योंकि अगर ब्लड उनको नहीं मिलेगा तो फिर वो काम कैसे करेंगी। तो जो हृदय को ब्लड सप्लाई करने वाली वाहिकाएँ होती हैं उनको बोलते हैं हम कोरोनरी आर्टरी, जो हृदय की मांसपेशियों में जो है हल्की हल्की सी दिखाई देती है लाल लाल टाइप की, अगर उनमें ब्लॉकेज आ जाती है तो साथियों जो है को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, हृदय गति उसकी अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है।
तो इसमें क्या है कि साथियों, यदि कहीं आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज आ जाती है, यदि पाँव की तरफ ब्लॉकेज आ जाती है, तो वहाँ की ब्लड सप्लाई रुक जाती है और उसके आगे का भाग जो है वो धीरे धीरे नीला पड़ने लगता है बिना ऑक्सीजन के कारण, ऑक्सीजन ना मिलने के कारण। और जो यदि हमारे ऊपर की तरफ सुपरियर वेना केवा जो है, सुपरियर जो ऊपर की तरफ जो ब्लड सप्लाई होती है ब्रेन की तरफ होती है, अगर उस आर्टरी के अंदर, किसी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज आ जाती है या जो है ब्रेन के अंदर जो है ब्लॉकेज आ जाती हैं, उनको हम बोलते हैं इन्फ्राक्ट। इन्फ्राक्ट यानी कि जो है ब्लड की सप्लाई वहाँ पर रुक जाती है और फिर वहाँ आगे की जो सेल होती हैं वो मरने लगती है धीरे धीरे। ऐसे में जो है व्यक्ति को पैरालिसिस वगैरह मार जाता है या उसका स्पीच चला जाता है, अगर वो लेफ्ट साइड में उसको जो है भाग इफेक्टेड होता है, तो इसका हमारे, देखिए हमारे ब्रेन का जो कंट्रोल है शायद वो क्रॉस कंट्रोल है, तो उसमें क्या है कि जो हमारा बायां भाग है वो दाएं भाग को कंट्रोल करता है और दायां भाग जो ब्रेन का है वो हमारे बाएं भाग को कंट्रोल करता है। इसलिए अगर हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन की सेल है, अगर वो लेफ्ट साइड की ब्रेन जो है इफेक्टेड होती है, तो हमारे दाएं हाथ के पैर को जो है, हाथ या पैर को लकवा मार सकता है। और साथियों, जहाँ पर जो है नसें, जो धमनियाँ हैं, जो आर्टरी, छोटी छोटी आर्टरी हैं ब्रेन में, अगर वो प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर के कारण या वीकनेस के कारण वो फट जाती है, तो उस स्थिति को हम कहते हैं हेमाटोमा। हेमाटोमा उससे भी जो है क्या है कि पैरालिसिस मार जाता है, लकवा लग जाता है, पैरालाइज हो जाता है और धीरे धीरे जो है कुछ दिनों के बाद में जो है व्यक्ति धीरे धीरे इसमें ठीक होने लगता है। और पूर्ण रूप से तो उसको नहीं कह सकते हम ठीक हो जाता है, लेकिन फिर भी जो है लगभग 80%, 85% जो है वो कवर कर जाता है उसके अंदर। तो साथियों, ये था हमारा आज का जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर लेक्चर। आपको कैसा लगा, अपने सुझाव, अपने कमेंट जरूर दें साथियों, और फिर इसके बाद में आगे हम बीमारियों पर चर्चा किया करेंगे। तो अभी हम ये कुछ इसके पार्ट है फिजियोलॉजी के, ये हम इनको ले लेते हैं, और अगले में जो है हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पर जो है चर्चा करेंगे साथियों। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे दोस्तों।